मोहित मैच ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा कि माय यूट्यूब चैनल मोहित मैच ग्रुप को सब्सक्राइब करें। उसके लिए राइट साइड में एक रेड कलर का बटन दबाएं। अब टॉपिक देखिए कि हमारा जो है टॉपिक मैट्रिक्स और कंसेप्ट जो है लीनियर इक्वेशन। जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन जो हमारे पास 20x प्लस 5y इक्वल टू 450, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हमारी। सेकंड लीनियर इक्वेशन है 10x प्लस 3y इक्वल टू 230। और जो हम सॉल्व करते हैं इसको तीन मेथड से करते हैं। पहला मेथड जो है यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले x और y के जो कोफिशियंट है वो लेंगे 20, 5, 10, 3। और जो x और y हमारे वो कॉलम में आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में रो इनटू कॉलम, ये रो में ये कॉलम में, क्योंकि मल्टीप्लाई करो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से तो 20x आया और सेकंड एलिमेंट सेकंड से तो प्लस 5 आया इक्वल टू में 450, ये चलेगा 450 230। तो ये हमेशा रो और कॉलम के फॉर्म में चलता है। इस टेबल को जो नोट करते हैं वो ए से, इस टेबल को एक्स से, इक्वल टू इस टेबल को बी से। हमें जो निकालना है ये एक्स वाई निकालना है जिससे कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए एक्स इक्वल टू ए उधर दूसरी साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये ए इनवर्स बी बन जाएगा। ठीक है, तो अब ए इनवर्स बी निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे निकलता है, ये जो कोफिशियंट दिए थे इनको उतार लीजिए 20, 5, 10, 3, यही कोफिशियंट हमने नीचे ले लिया। तो सोल्व करने का तरीका क्रॉस चलता है, पहले ऊपर से नीचे कितना आया मल्टीप्लाई करके 60, बीच में हमेशा आता है माइनस, फिर नीचे से ऊपर कितना आया 10, 5 जा 50, दोनों का करना है हमेशा माइनस, कितना आया 10, उसके बाद निकलता है माइनर। माइनर ऑफ ए, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो उसके लिए चारों एलिमेंट वही देखने हैं एक्स वाई के कोफिशियंट जो थे हमारे पास, ये 20, 10, 5, 3, यही हमारे कोफिशियंट चारों में रख लेने हैं, चारों में हमने वही रखने हैं। उसके बाद करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने गायब करना है, हिडन करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर आया 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैंने आपको बताया ही था ये फर्स्ट रो होती है ये सेकंड रो होती है, तो इसमें जो आंसर आया 10। फिर बारी आती है सेकंड रो की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर आया 5। फिर आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का हिडन करा तो कितना आया 20। अब हमें माइनर से जाना है कोफैक्टर में। कोफैक्टर में जाने के लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है, साइन चेंज। कैसे किया था, सम ऑफ ऑड नंबर रो एंड रो प्लस कॉलम देन साइन आर चेंज। 1+1 देखो रो और कॉलम को ऐड करो 2, तो ये तो इवन नंबर है, इसको देखो 1+2 कितना हुआ 3, ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या होगा चेंज। ऐसे 2+1 3, ये भी साइन चेंज, ऑड नंबर है, सम करने पर 2+2 4 हो रहा है, तो आप इसको दोनों को क्या करेंगे साइन चेंज, हमेशा यही होंगे 2×2 की मैट्रिक्स में। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों के साइन चेंज, प्लेस के इन दोनों के चेंज होंगे। तो सबसे पहले ये सेम लिख दो 3 और 20, दोनों के साइन चेंज सेम लिख दिए, अब साइन इन दोनों के चेंज होगा, अगर ये प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस, अगर माइनस का है तो प्लस आ जाता, तो ये प्लस का है तो ये भी क्या आ गया माइनस का। अब उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या है, जितने भी कोफैक्टर के एलिमेंट दिए चारों, वो चारों के चारों यहाँ पुट कर दीजिए, 3 -10 -5 20। अब इसका एडजॉइंट का मतलब होता है रो और कॉलम को करना है इंटरचेंज। कैसे होगा, जो ये देखो रो में लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे कॉलम में लेना है 3 -10, देखो रो की चीज मैंने कॉलम में लिख दी, और ये वाली रो जो सेकंड नंबर की उसको भी कॉलम में लिख देंगे, ऐसे ये आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद आता है हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर है 1/determinant A × adjoint A। एडजॉइंट अभी हमने निकाला ये रहा ऊपर, डिटरमिनेंट हमने यहाँ निकाला था, ये डिटरमिनेंट निकाला था हमने, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये रही 10 यहाँ पुट कर दी, एडजॉइंट की वैल्यू ये रही हमारे पास ऊपर, ये पुट कर दी यहाँ पे 3 -5 -10 20, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब हमें निकालना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पुट किया था ये रहा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको एक्स वाई को निकालने के लिए, तो हम यहाँ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कर रहे हैं, तो इस एक्स की वैल्यू थी एक्स और वाई, देख लो इस एक्स की वैल्यू एक्स वाई थी। ए इनवर्स अभी हमने ऊपर निकाला है 1/10 3
माइनस फाइव माइनस टेन 20, ये पूरा ए इनवर्स ये आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास ये रही टेबल में, बी की वैल्यू ये थी 450 230, बी की वैल्यू ये उतार दी हमने, ठीक है सेम। उसके बाद हमने करना क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रो कॉलम के केस चलता है, रो इंटू कॉलम, तो इसकी वाली लेते हैं रो, इसकी वाली लेते हैं कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 × 3, इसको इससे इंटू कर दिया, बीच में हमेशा प्लस आता है, माइनस फाइव इंटू 230 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, तो माइनस फाइव इंटू 230, ठीक है। फिर इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले से, माइनस टेन इंटू 450 प्लस, बीच में आता है हमेशा, इसको सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से करना है, 20 × 230। चलिए इधर तो अपना वो 10 ही आएगा, सेम चलेगा, इसको इंटू करते हैं तो ये आता है 1350, इसको 5 से करेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है 1150। इसी प्रकार इसको करेंगे माइनस 4500, इसको सेंड करेंगे तो 4600 आ जाएगा, ये 10 का 10 रहेगा। इसको इसमें से माइनस कर दें तो आता है 200, इसको इसमें से माइनस करेंगे 4500 4600 100, और ये 10 एज इट इज लेगा। अब ये 1/10 आया है, इसको हमने क्या करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/10 से किया, जीरो कट गया, ऐसी 100 को भी 1/10 से करना है, क्योंकि जो बाहर वाली वो मल्टीप्लाई होती है वो सबसे सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, कट करके ये 20 और 10 बच गया, तो x की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 10, x की 20 y की 10। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पहली जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 85, सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 105, थर्ड इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 110। इसको सॉल्व करने के हमारे तीन मेथड थे, पहला मेथड था यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इसमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे इसके कोफिशेंट है सबसे पहले वो 1 2 3 3 2 2 2 3 2, और ये एक्स वाई जेड हमारे कॉलम की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि रो इनटू कॉलम चलता है जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 85 105 और 110 इक्वल में चलेगा। ये हमारा ए माना हमने इसको डिनोट किया एक्स टेबल को, इसको एक्स से किया, इसको बी से किया। अब हमें इस एक्स वाई जेड को निकालने के लिए इसको एक्स को निकालना है, तो ए को हमने उधर भेजा तो क्या बन गया, इनवर्स बन गया। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या, फर्स्ट रो से अगर निकालते हैं तो फर्स्ट रो को करने के लिए प्लस माइनस प्लस का यूज करते हैं, अगर हम सेकंड से करते तो माइनस प्लस माइनस करते, थर्ड रो से करते तो प्लस माइनस प्लस से करते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट रो से सॉल्व करने के लिए साइन प्लस माइनस और प्लस का यूज कर, निकालने का तरीका बताया था, सबसे पहले हम लोगों ने ये लेना है 1 2 3, फर्स्ट रो के एलिमेंट लेने, 1 रखा 2 रखा और 3 रखा, और हमें साइन लेने प्लस माइनस प्लस का, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का। अब हमने इस 1 के इस 1 की स्ट्रेट रो कॉलम कर देनी है गायब, तो 4 एलिमेंट आए 2 2 3 2, उसके बाद इस 2 के स्ट्रेट रो कॉलम कर देनी है गायब, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे 3 2 2 2। फिर अगला नेक्स्ट 3 लिया था हमने, उसकी स्ट्रेट रो कॉलम गायब कर देनी है, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे 3 2 2 3, और ये 1 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, फिर ये क्रॉस में 2 2 जा 4, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, बीच में माइनस आता है हमेशा, -2 फिर क्रॉस 3 2 जा 6 क्रॉस, बीच में माइनस, 2 2 जा 4 +3 फिर क्रॉस 3 3 जा 9 क्रॉस में 2 2 जा 4 बीच में माइनस, ये 1 हो गया, ये -2, ये -2 रहा, ये 2 हो गया, +3 5, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, -2 को 2 से करेंगे तो -4, 3 5 करेंगे तो 15, और इन तीनों को जो दोनों को प्लस करते हैं माइनस माइनस प्लस -6 +15 9 आ जाए, और ये डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तभी हमारा इनवर्स निकलता है, अगर इनवर्स निकलता है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती तो उसमें इनवर्स नहीं निकल पाता है, उसका केस दूसरा होता है। माइनर ऑफ ए डिटरमिनेंट के बाद निकलता है माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ कैसे निकलता है, सबसे पहले M11, ये सारे एलिमेंट वही हैं जो हमारे ए के मैट्रिक्स के दिए थे, ये सारे सारे एलिमेंट हमने जो सारे के सारे ये मैंने लिख रखे हैं,
सब में लिख दिया, M1 2 में भी, M1 3 में, सब एलिमेंट में लिखा हुआ है। तो हमने करना क्या है, M1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर देनी है गायब, वही चार एलिमेंट बच गए 2 2 3 2। अब करना क्या है वही क्रॉस, 2 2 4 3 2 6, 4 - 6 तो सॉल्व करके आया -2, ये हमारा M11 निकल गया। इसी प्रकार M12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, क्योंकि ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो ये चार एलिमेंट बच गए 3 2 2 2। फिर इसी प्रकार क्रॉस 3 2 6, पहले ऊपर से फिर नीचे से 2 2 4, माइनस करा 2 आ गया। फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम या 9, 2 2 4, 9 - 4 सॉल्व कर गया 5। इसी प्रकार हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कर देनी है गायब, ये हो गई, और हमारी बने 2 3 3 2, ये आगे देखो 2 3 3 2, इसको क्रॉस करना है 2 2 4 और 3 3 9, और पीछे हमेशा माइनस। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चारों एलिमेंट फिर से 1 3 2 2, ये 2, बीच में माइनस, 2 3 6, ये आ गया -4, और ये आया था आपका -5। इसी प्रकार सेकंड रो थर्ड कॉलम गायब, 1 2 2 3, 1 2 2 3, क्रॉस में 3 × 4, बीच में हमेशा -1। फिर आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब, तो ये चारों एलिमेंट आ गए 2 3 2 2, क्रॉस 4 × 6, बीच में -2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम गायब, 1 3 3 2, ये आ गया 1 3 3, फिर वही क्रॉस 2 - 9 हो गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब, 1 2 3 2, 2 × -6, ये -7 आया था, और ये -4। अब आएगा कोफैक्टर, इसमें कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑड नंबर रो और कॉलम का सम करना है, उनका साइन चेंज, जिनका ऑड नंबर आएगा सम करने पर और कॉलम का, उनका साइन चेंज होगा। साइन चेंज किस किस का होगा, देखिए सम करो 3 आ रहा है तो ऑड नंबर, इसका साइन चेंज होगा। इसी प्रकार C23 में देखो 5 बन रहा है, 3 2 5 बन रहा है, 2 1 5 बन रहा है, तो आपके ये चारों प्लेस के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। और इसको याद करने के तरीका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन चारों प्लेस पर माइनस आ रहा है, उन साइन के चेंज हो जाएंगे, कहाँ से, माइनर से कोफैक्टर बनाने के लिए। तो हमारे पास माइनर में M1 बनाया था, वो था -2, वो एज इट इज आ जाएगा। फिर आया था M12 2, इसका साइन चेंज कर देंगे। उसी प्रकार आया था M13 5, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद M21 आया था -5, ये जो हो गया हमारा +5 बन गया, साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया कोफैक्टर में। C22 का हमारा M22 आया था -4, तो C22 लिख देंगे -4। फिर M23 जो आया था हमारा आंसर -1 आया था, और C23 क्या बन जाएगा +1, क्योंकि इसका साइन चेंज होना था। इसी प्रकार M31 का आंसर आया था -2, और ये पुट कर दिया हमने -2। M32 का आंसर आया था -7, और इस प्लेस का साइन चेंज होता है, तो ये हो गया +7। और M33 का आंसर आया था -4, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमने सिर्फ माइनर से जो चार वैल्यू थी उनके साइन चेंज कर दिए, और कोफैक्टर में बाकी। फिर आता है कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करना पड़ता है, पहले सेम एलिमेंट जितने आए थे कोफैक्टर के उतार लीजिए, 5 था 1 - 2 7 - 4। अब ट्रांसपोज करना होता है इसका, रो को कॉलम में बदलते हैं, ये रो ये कॉलम में आ गई, ऐसी फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 5 माइनस 4 1, इसी प्रकार थर्ड रो थर्ड कॉलम में माइनस 2 7 माइनस 4। उसके बाद निकलता इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स में 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 9, ये आई थी 9, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आई थी ऊपर यहाँ पे, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 7 5 1 और माइनस 4, ये हमारी एडजॉइंट की वैल्यू आ गई और ये डिटरमिनेंट की डाल के इनवर्स बन गया। अब ए इनवर्स के बाद हम निकालते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स में हमारे पास ये पूरा पूरा एज इट इज यही वैल्यू आएगी माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 7 5 1 माइनस 4। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में हमारा एक्स जो था वो था एक्स वाई जेड, ये जो हमने क्वेश्चन में माना था। उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, सारी की सारी वही वैल्यू है। उसके बाद बी की वैल्यू जो हमारे पास वो क्वेश्चन में जो दी थी इक्वल टू में उसका यूज करेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे 85 105 और 110। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले से, तो आ जाएगा माइनस 170, 2 को 85 से करेंगे, 5 को 105 से करेंगे तो प्लस 525, 2 को 110 से करेंगे तो बीच में हमेशा प्लस आता है, वैसे माइनस बन जाएगा 220। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले से, तो ये भी करेंगे तो माइनस 170, और माइनस 4 को करेंगे 105 से तो आएगा 420, वो भी माइनस का। इसी प्रकार 7 को करेंगे तो ये आएगा 110 से 770, बीच में हमेशा प्लस रखना है, और ये 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको 5 को 85 से करेंगे तो 425, 1 को 105 से करेंगे तो 105, माइनस 4 को 110 से करेंगे तो माइनस 440। इन दोनों को माइनस में प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 135। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 180। इसी प्रकार इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 90। वन बाई नाइन को 135 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। कैसे, 135 इंटू 1/9 कैंसिल आउट होगा, 15 आएगा। फिर इसी बार 180 को 9 से करें, 1/9 से करेंगे तो 180 इंटू 1/9 कट के 20 आ जाएगा, ये हो गया 20। इसी प्रकार 1/9 को 90 से करेंगे तो आएगा 10, 90 इंटू 1/9 कट के 10। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आई एक्स 15 वाई 20 जेड 10।